ऐसा नहीं लग रहा है कि आप लोगों में भीम है। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। हम लोग जय भीम क्यों कहते हैं बताएं किसको जी? भीम का मतलब है आपके अंदर जो डिग्निटी है, सेल्फ रेस्पेक्ट है, उसको मैं सैल्यूट कर रहा हूं। परम पूज्य विश्व विभूति भगवान बुद्ध बाबा साहब और जितने महापुरुष अभी ललित सिंह यादव जी का हम लोग याद कर रहे थे, नर्थ भारत जो आपके उत्तर भारत के ललित शर्म का परिवार रामस्वामी नागर कहा जाता था, सच्चे रामायण का अधिवक्ता भी थे, सुप्रीम कोर्ट में जहां पे आज शिक्षा की बात चल रहा है, आंदोलन की बात चल रहा है, कलम देश की बड़ी शक्ति है भाव जगाने वाली, कलम देश की बड़ी शक्ति है भाव जगाने वाली, दिल ही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। कहां पे लगाती है आग? दिल में और दिमाग में। और जो रिवोल्यूशन का होता है, आप रिवोल्यूशन का हिस्ट्री को पढ़ेंगे, जहां से रिवोल्यूशन होता है, बच्चे पढ़ते होंगे फ्रेंच रिवोल्यूशन, बच्चे पढ़ते होंगे अमेरिकन रिवोल्यूशन, बच्चे पढ़ते होंगे चाइना रिवोल्यूशन 1949 में जो लास्ट रिवोल्यूशन हुआ, मगर बच्चे ये नहीं पढ़ रहे होंगे कि हमें क्राइट रिवोल्यूशन भी सर्दी पे हुई है। आज हम लोग दलित आंदोलन की बात करते हैं, बहुजन आंदोलन के बाद अभी गांव में क्राइट रिवोल्यूशन चल रहा है। दलित आंदोलन को दलित रिवोल्यूशन को कन्वर्ट करके माननीय कांशीराम साहब ने बहुजन रिवोल्यूशन स्टार्ट कर दिया। कब से? 1964 से लेकर 2007 से। अभी 2007 के बाद जो 2 तारीख को हम लोगों ने ट्रेलर देखा, ट्रेलर जब प्रेसिडेंट टी पार्टी ने 1776 में चाय का एक पेटी समुद्र में गिर गया और उसको रिवोल्यूशन के बारे में जब सोचने लगे, लोग मजाक उड़ाए, लोग मजाक उड़ाए, ये कैसा रिवोल्यूशन है, ऐसा नहीं हो सकता, अंग्रेजी हुकूमत अमेरिका में समाप्त नहीं होगा, मजाक उड़ाए। तो 2 तारीख के बारे में भी बहुत लोग मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई बैनर पोस्टर नहीं था, इसमें कोई लीडर किसी को बुलाया नहीं था, कोई प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट ने उसको खत्म किया, रिव्यू पिटीशन पेंडिंग था, बिग लायर ऑफ सुप्रीम कोर्ट अभी लायर वहां पे पेंडिंग था और लोकसभा ने उसको पास कर दिया। और ये बहुत ताकत, ये बहुत रिवोल्यूशन का देन है कि आज हम लोग हिला कर रख देते हैं, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बात करे ना करे, कोई लीडर कहे ना कहे, मगर बहुजन समाज के हुकूमत किस वजह से हुआ, उसका शुरुआत हुआ बहिष्कृति हितकारिणी सभा में। जब बाबा साहब ने कहा कि तेरा मूल मंत्र यही है कि एजुकेट एजुकेट ऑर्गेनाइज, कहीं ना कहीं कोरम मर्डर के, क्योंकि उसका जो हिंदी का रूपांतरण हुआ, उसका ट्रांसलेशन हुआ, हम लोगों ने समझने की थोड़ा ये किया। शिक्षित बनो, शिक्षित बनने का मतलब हो जाता है कि संघर्ष नहीं है, संगठन को आगे ले आया। उसी वजह से 1957-56 बाबा साहब का देहांत के बाद आज 2018 लग गया, इतने साल हम लोगों को कि उसी बीच में हम फंसे रहे, क्योंकि उसको सही तरह से हम लोग डिफाइन नहीं कर पाए, अच्छा से उसको समझ नहीं पाए। एजुकेशन का मतलब है सेल्फ रिवोल्यूशन, जो 2 तारीख में उसका हम लोगों ने प्रयोग करके दिखाया, उसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिखाया। देयर इज डिफरेंस बिटवीन लिटरेट एंड एजुकेट, पोथी पढ़ पढ़ जग मोहा पंडित हो ना कोई, कबीर जी को याद किया हम लोगों ने, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर भी कबीर पंथी थे, उन्होंने उस चीज को कहा कि ऐसा नहीं है, शिक्षित बनने के बाद एक सेल्फ रियलाइजेशन होता है, एक सेल्फ रिवोल्यूशन होता है, उसके बाद संगठन को लीडर, एक सेल्फ रिवोल्यूशन के बाद, एक सेल्फ एजुकेशन के बाद हम लोग यहां पर संतुष्टि कर रहे हैं। और आज जो अम्बेडकर रिवोल्यूशन पूरे दुनिया में देखने को मिल रहा है, टीना डेविस का प्रोडक्ट है,
और ये बचे तो 90%। पहले तो बहुत मेरिट मेरिट चिल्लाते थे ये लोग, अगर मेरिट का इतना था आप लोगों को, इतना मेरिट का कमर खाते कि लंबे काम होता नहीं था। अरे अगर मेरिट का इतना तुम लोगों का कमर था तो लंबे काम होता क्यों कटा सभी को क्यों मार। इसलिए आपको कहता हूं मेरिट नहीं चाहिए। चलिए आप उठा मत काटिए, तुम्हारा अर्जुन को खिला पिला के चॉकलेट मचलेट कुछ भी खिला के हालिस खिला के बोमटिया खिला के कुछ भी करो, मगर एक लंबे काम उठा मत करो और आमने सामने तुम्हारा अर्जुन करो तो हाथ प्रभा पे 100 मीटर से 200 मीटर कहीं भी होगा तो हम लोग आपसे सब। जब असमान आपका जो ताश है जो यूपीएससी का टपर है आप रिटेन कंप्लीट सर टॉप हो जाते यूपीएससी 1955 में। और इंटरव्यू में कितना मार्क देते हो, कितने मार्क देते हो उसको 60 मार्क्स से। यही है मेरी, ऐसा मेरी खत्म मेरी इज माई प्रूफ। तुम्हारा मेरिट से कुछ नहीं हुआ। आज अश्विनी जिस पार्टी का रिपोर्ट कहता है जो कर्मचारी लोग हैं, जो फोर्थ क्लास थर्ड क्लास एबीसी के लोग हैं, सबसे ज्यादा एफिशिएंसी का, अगर सबसे ज्यादा एफिशिएंसी किसी ने दिखाया तो ये शेड्यूल कास्ट के लोग दिखे। ये अश्विनी जिस पार्टी का रिपोर्ट है और सबके सामने है। आज भारत के संविधान बनने के बाद दुनिया के 20 देश के संविधान बना। भारत के संविधान बनने के बाद ये लोग कहते हैं कि कहां से कॉपी। अरे भाई कॉपी किया तो 39 एंड बुकेट हुआ करते थे, भाषण हुआ करते थे, तो तुम काहे संविधान नहीं। अगर तुम में टैलेंट था मेरी था तो 38 एंड बुकेट क्या करते थे, घास चरा रहे थे, चने खा रहे थे, क्या कर रहे थे, तो संविधान नहीं। आज पूरे भारत में नहीं पूरे दुनिया में नेल्सन मंडेला जब जेल से निकला तो पूछा गया कौन से देश का संविधान को आप आइडल मानते हो, किसको आप फॉलो करोगे, तो नेल्सन मंडेला कहेंगे आई विल फॉलो द ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर सर। उसे पत्रकार पूछता है तो भारत का संविधान क्यों, क्योंकि भारत का संविधान ऐसा एक संविधान है जिसको उसने ह्यूमन राइट दिया। आज उसको ह्यूमन राइट दिया 1948 डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट आपका यूनिवर्सल डिक्लेरेशन पे, उसके बाद 1966 जब से अमेरिका भारत कॉन्स्टिट्यूशन का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने लगा तभी जाके वहां पे ओबामा पैदा। ओबामा इज द ब्रांड चाइल्ड ऑफ बाबा साहब अंबेडकर एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाई इज द फॉलो ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गोल्डन प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल राइट एंड ह्यूमन राइट दैट बाय प्रोडक्ट इज ओबामा। 1955 के बाद हिंदू कोड बिल को पास नहीं कराया, उसके बाद 1955 तो बाबा साहब ने कहा तेरा मेरी बेटी है, तेरा बेटी का नाम इंदिरा गांधी है, अगर इंदिरा गांधी का फ्यूचर आप चाहते हो मिस्टर नेहरू तो क्या करो जल्दी से हिंदू पहले तक पास करो, हिंदू कोड बिल पास नहीं कर सकते मैं मानता हूं। उसका फटक क्या हुआ 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट हुआ, महिला को अधिकार मिला, धीरे धीरे करके आज भी मिल रहे हैं। उसका फटक क्या इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी हो सकता है फिजिकल डॉक्टर नेहरू मगर उसका भूल तो इंदिरा गांधी का फ्रेंचाइज है बाबा साहब आगे। इस बात का हम लोगों को ध्यान में रखना है। आज जो भी पैदाइशी हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया से हो रहा है। आज जो भी बोला आज के उन सक आदमी हूं मैं, अब कहां पे 260 किलोमीटर जाने के बाद ट्रेन मिलता है। आप दिल्ली आया अभी ड्यू में पढ़ा कैसे हो गया, ये संविधान का देन। आज मेरे सामने इतने डॉक्टर इंजीनियर बैठे हुए हैं, पत्रकार बैठे हुए हैं, बड़े बड़े लीडर बने किसके बदौलत, किसके बदौलत। अभी ये गुज्जर साहब हमारे जाट साहब मिले थे गोली खा रहे हैं रिजर्वेशन पाने के लिए। आप लोगों को कितनी गोली खाए, आपके बाप ने कितनी गोली खाए, मगर आपको रिजर्वेशन मिल गया रिजर्वेशन से पहले से हो। आज इस भारत का संविधान है तभी जाके हम हैं। संविधान नहीं रहेगा और एक बात कहते हैं कि संविधान खतरे में, संविधान खत्म कर देंगे, किसी बाप की और हड्डी नहीं है, औकात नहीं है। अरे वो याद करो प्रधानमंत्री को, आज वो नहीं रहा जो संविधान को मिटाना चाहते थे, मगर बाबा साहब का संविधान आज भी है रहेगा। आज हम लोग को अमेरिकन रेवोल्यूशन करना है, अमेरिकन राइट करना है हम लोगों को, तभी जाके हम संविधान को पढ़ेंगे। अगर राम कथा देश में हो सकता है, भगवत कथा सत्यनारायण कथा हो सकता है मेरे मां और बहनों, तो संविधान कथा क्यों नहीं हो, संविधान घर तक क्यों नहीं जाएगा। अगर आज मैं पूछूंगा आप लोगों संविधान देखे हो तो आप जरूर कहोगे नहीं देखे हो, संविधान को देखना है। गीता महाभारत से कुछ नहीं हुआ, अरे राम राज्य क्या लाओगे, राम राज्य में मेरे चार साहब है 24 साल मिले कितने कैबिनेट थे, अरे राम राज्य में तुम्हारा कितना कैबिनेट थे, कहा कि नहीं पता नहीं था पढ़े नहीं, तो आज कितने कैबिनेट है, आते तो है मिनिस्टर तो बन किसके बदौलत, उसने भी माना तुरंत पार्लियामेंट गया
सीधे जाकर भारत का संविधान को उसने गले लगाया कि वहां घर घर लेके गया अपने बेटी को, बता बेटा तो यही है, यही हम लोगों को ये बनाया, नहीं तो हम लोगों को पशु से सुना देते और इंसान बने। आज देख लीजिए उनका शिक्षा क्या 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 उनका एजुकेशनल डेवलपमेंट हुआ। और सुप्रीम कोर्ट में हालांकि धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं, आर्टिकल 124 217 जहां से हम लोग जजेस बनेंगे, 21 आपका जो ऑल इंडिया सर्विसेज को लागू नहीं करा दिया, अभी धीरे धीरे हम जब संविधान को पढ़ेंगे जानेंगे। आज क्या होता है, जब पता होता है तो कहते हैं नहीं नहीं हम गलत, कैसे पता चलता है गीता के अंदर वो सूर्य खत्म हो गया, कैसे कहते हैं रामायण में वो छंद वो खराब है, कैसे कहे जब पढ़ाई करेंगे संविधान किसी के बाप के औकात नहीं के किसी भी कमा पुस्तक को चेंज कर दे, वो चेंज कर देगा तो ये बहुत समाज आंदोलन करेगा। इसी आशा विश्वास के साथ जब भी मेरे जरूरत पड़ेगी मैं आप लोगों के साथ हूँ और साथ रहूंगा और आगे भी रहूंगा, क्योंकि अभी दिल्ली में एक टीम बन चुका है, पूरे भारतवर्ष में हम लोग साथ साथ हैं। मीडिया के सारे साथियों को मैं धन्यवाद करता हूँ और जितने भी लोग मेरी बात को ध्यान से सुना और सुनो, गलती हुआ तो मेरे को बता देना, मैं उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करूंगा। मैं बुद्धिस्ट हूँ, हिंद भावना से हिंदू पैदा होता है, बुद्धि होगा तो बनोगे बुद्धिस्ट। इसी आधार पर आप लोगों का मैं आभार प्रकट करता हूँ। जय हिंद, जय प्रभु भारत।